हर खबर से करने को बाखबर, मिथिला का नंबर वन चैनल, देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान, आप दर्शकों का स्वागत है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव के सामूहिक हत्याकांड का मामला बरसों नहीं भुलाया जा सकेगा, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया था। घटना के बाद कई दिनों तक प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर रह रहे विभिन्न सियासी पार्टी के नेता मोहम्मदपुर गाँव पहुँचकर पीड़ित परिवार को जहां सांत्वना दिया, वहीं अपनी सियासत चमकाने का भी काम किया। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बेनीपट्टी पुलिस की किरकिरी देख एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश ने टीम गठित कर हत्याकांड के असली गुनहगारों को जेल पहुंचाकर माहौल को ठंडा कर दिया। लेकिन इस हत्याकांड में कई ऐसे व्यक्तियों को भी फंसाया गया है जिसके घर वाले उन्हें बेगुनाह बता रहे हैं। इस कांड में दवा व्यवसायी अशोक सिंह का भी नाम शामिल है, जो घटना के वक्त अपने दवा दुकान पर मौजूद थे। 12 मई को उनकी बेटी की शादी तय है। कार्ड बांट दिया गया है, लेकिन कांड के बाद से पिता पुलिस के डर से फिरार हैं। ऐसे में यह शादी कैसे मुमकिन हो सकेगा? सुनिए अशोक सिंह के पुत्र प्रभात कुमार सिंह ने क्या बताया। सर देखिए, मेरे घर में शादी है, 12 मई को मेरी सिस्टर का शादी है जिसका नाम है मोनी कुमारी। 21 मई को मेरा शादी है, जो कि देखिए ये रहा मेरा कार्ड। क्या हुआ फिर सर? और ये रहा मेरी सिस्टर का कार्ड। अच्छा, क्या समझे सर? और 29 तारीख से सर 15-20 दिन पहले मेरे घर पे बैठा हुआ था, जो कि हलवाई आया था। वो बोला था जो बारात में कितना आदमी आएगा उसका एस्टीमेट बन रहा था, कितना खाना पीना नहीं। देखिए सर, बताओ। और वो सब बोल रहा है जो यहाँ पे मर्डर का प्लानिंग बन रहा था। अब मेरे पापा सर निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है सर। वो सीधा साधा आदमी, गांव का सर, सब व्यक्ति जो बोलते हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन सर, हर आदमी से मिलजुल कर रहता है। ये जो बोलिएगा जो ये दुश्मन है, ये नहीं है। अब क्या परेशानी हो रही है उसमें? शादी में तो परेशानी ही होगी। अब सर मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी 2010 में रेत कर गई सर। जो थे मेरे पापा गार्जियन हैं, वही जो करने वाले हैं वही करेंगे सर। अब 12 तारीख को शादी है मेरी बहन को, चलिए मेरा शादी नहीं होगा, मेरा शादी कैंसिल। लेकिन मेरी बहन का शादी सर, उनका लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा ना। तो फिर अब शादी में काफ़ी बाधा होगी सर? काफ़ी बाधा होगी कि बहुत ज़्यादा होगी सर। पुलिस प्रशासन सर कुछ भी नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। हम सबको सर न्याय चाहिए। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि जो आदमी उसमें इन्वॉल्व था, जो मारा है, उसको फांसी होना चाहिए, और जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए, नहीं तो सर हम लोग धरना करेंगे। अच्छा, इसमें बिहार पुलिस जांच कर रही है, तो क्या लग रहा है कि सर? हम सबको बिहार पुलिस पे नहीं, हम सबको CBI जांच चाहिए। जैसे हो CBI जांच चाहिए। बोल रहा है जो SIT टीम कहाँ है, क्या कर रहा है, कहीं तो नहीं देखे हम लोग। 2 दिन आया, चल गया, देख के चल गया। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह सर। अशोक सिंह सर, जिस दिन वो घटना हुआ 29 तारीख को 1 बजे बोल रहा है, उस दिन मेरे पापा थे दुकान पे। मेरा दुकान मोहम्मदपुर चौक पे पश्चिम के साइड है, जो कि मेडिसिन का है। वहाँ पे मेरा, वहीं से मेरा रोजी रोटी चलता है सर। उस दिन बताता है कि अशोक सिंह पिस्टल लेकर के, और क्या बोलते हैं, लोहा का रॉड लेकर के मारता है। अगर ऐसा है तो सर पुलिस प्रशासन को बोलिए कि उनका नंबर लेकर के उनका मोबाइल लोकेशन चेक किया जाए। बिना चेक किए सर किसी का घर में घुस जाता है और कुर्की जब्ती करके आ जाता है, ये तो कोई अन्याय नहीं है सर? देखिए, अन्याय तो ये लोग कर रहे हैं। बाबा जितना चीज़ बोले हैं सब सही है, क्योंकि हम लोगों को पापा बोलते हैं जो 1993 में सर जो भी घटना किया था पूरा किया था सर। उसमें मेरे पापा का जो चचेरा लड़का था उसको भी मर्डर में मार दिया था 1993 में। इनके परिवार का जो एक बगल का घर है उनको भी मार दिया था, गोपाल सिंह, क्या बोलते हैं, और ठाकुर सिंह, ठाकुर
तो कितने लोग को मारा गया था? सर, 3 लोग को मारा गया, जो कि मेरे परिवार में गौतम राजपूत में है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि वही बदला लिया है ये लोग? नहीं सर, तो फिर वो तो राजपूत में राजपूत हुआ था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजपूत ब्राह्मण और बहुत सारा जात मिलके है, इसमें सर जाति विवाद नहीं बोल सकते इसको। अगर प्रभात कुमार सिंह अपने पिता को निर्दोष बता रहे हैं तो क्या पुलिस बिना अनुसंधान के ही अशोक सिंह को अभियुक्त मानकर उनके घर की कुर्की जब्ती शुरू कर दी है? देखिए रिपोर्ट। हम देने लग रहे हैं। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.